आई यू ग्रांडी स्टेट में आपका क्लास ट्वेल्थ में आपका इंग्लिश मीडियम सभी सेक्शन में आपके लिए जो फिजिकल केमिस्ट्री का पहला लेसन कुराइडी स्टेट पढ़ा रहे हैं आपको, ये केमिस्ट्री का ही पार्ट है फिजिकल केमिस्ट्री में। आइए अकॉर्डिंग टू द ग्राम ग्राम एक साइंटिस्ट थे, सब्सटेंस आर टू टाइप्स, सब्सटेंस दो टाइप के थे, एक था क्रिस्टलाइट दूसरा था कोलाइड्स। क्रिस्टलाइट वो सब्सटेंस होते हैं जिनका हम सोल्यूशन पार्चमेंट पेपर से क्या जाता है फास्ट थ्रू आउट रहता है, द सब्सटेंस हुज सोल्यूशन पासेस थ्रू सीव बाय द पार्चमेंट पेपर फास्टली इज नोन एज द क्रिस्टलाइट। जैसे शुगर यूरिया है, शुगर है, साल्ट है, एसिड बेस सोडियम, ये आपके जो है ऐसे सब्सटेंस है जिनका सोल्यूशन जो होता है वो पार्चमेंट से पासेस थ्रू हो जाता है। पार्चमेंट पेपर जो है पेपर होता है इसमें हल्की चीज़ें छन जाती हैं और गाढ़ी चीज़ें नहीं छन पाती हैं। कोलाइडल द सब्सटेंस हुज सोल्यूशन डज नॉट पासेस थ्रू सी बाय द पार्चमेंट पेपर फास्ट इज नोन एज कोलाइड्स। कोलाइड्स जो है कोलाइड वो सब्सटेंस होते हैं पार्चमेंट पेपर से आसानी से वो पासेस थ्रू नहीं पाते, जैसे गम स्टार्च सोलमिन जिलेटिन मिल्क बटर क्लाउड्स आइसक्रीम, ये हमारे जो है कोलाइड्स पार्ट हैं। ठीक है, बस दिस हाइपोथेसिस ऑफ द डेविएशन इज नेग्लेक्टेड बिकॉज मैनी सब्सटेंस विच इज क्रिस्टलाइट बट इन स्पेशल प्रोड्यूसेस द कोलाइड सॉल्यूशन। तो ये जो जो पार्चर में पेपर से पासेस थ्रू हो जाए और ना थ्रू हो, तो जो थ्रू हो जाते हैं पासेस थ्रू हो जाते हैं उसमें से क्रिस्टलाइट होते हैं, जो पासेस थ्रू नहीं तो कोलाइड होते हैं, ये डिवाइडेशन जो है ये नेग्लेक्ट कर दिया गया था। क्योंकि कुछ सब्सटेंस होते हैं कि वो होते क्रिस्टलाइट्स हैं लेकिन कुछ कंडीशन में वो कोलाइड भी हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए ये डेफिनेशन को जो है नेग्लेक्ट कर दिया गया। उसके बाद नई डेफिनेशन आई कोलाइडल स्टेट, और कोलाइडल स्टेट क्या होती है, व्हेन विद द साइज व्हेन द साइज ऑफ द पार्टिकुलर एनी सब्सटेंस टेक पावर माइनस 4 टू माइनस 7 सेंटीमीटर दिस पार्टिकल इज डिस्पर्ड इन एनी मीडियम एंड देन द स्टेट ऑफ द सब्सटेंस इज कॉल्ड द कोलाइडल स्टेट। इट इज़ क्लियर डेट द कोलाइड्स इज नॉट एनी सब्सटेंस वाइल इट इज द स्पेसिफिकल स्टेट ऑफ द ओनली सब्सटेंसेज विच इज कॉल्ड द कोलाइडल स्टेट। ठीक है, ये कोई एक कोई मतलब पदार्थ नहीं होता बल्कि पदार्थ की अवस्था होती है, एक स्टेज होती है। जैसे मान लीजिए एक छोटा सा टुकड़ा है ये, ठीक है, इसका बहुत छोटा ये हो गया, तो ये तो आपका ये कोलाइडल स्टेट में, बड़ा आकार जो होता है कोलाइडल स्टेट में। ठीक है, और बड़ा हो गया तो ये कोलाइडल स्टेट में नहीं रहा, तो ये हमारा जो है साइज़ के हिसाब से होता है, जिसका साइज 10^-4 से -7 के बीच होता है तो वो कोलाइडल पार्ट है। अब इसको अगर आउट ब्रेक कर दिया आपने तो अभी कोलाइडल पार्ट नहीं रहा। ठीक, अब आ जाइए क्लासिफिकेशन ऑफ द सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ पार्टिकल, उसके पार्टिकल के साइज पे देखिए, रियल सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन, तीन सॉल्यूशन होते हैं। इट इज़ द होमोजीनियस सब्सटेंस, होमोजीनियस का मतलब होता है कि ये जो है इसमें आपका सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को आप अलग नहीं कर सकते। इट इज़ द होमोजीनियस सब्सटेंस इन विच द पार्टिकल ऑफ द सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट इज अप्रॉक्सिमेट 10^-7 to -8 सेंटीमीटर, इट कैन नॉट बी सीन बाय द पावरफुल माइक्रोस्कोप, इतने छोटे होते हैं इसको पावरफुल माइक्रोस्कोप से भी आप नहीं देख सकते हैं। द सोल्यूशन ऑफ द साल्ट इज वाटर इज रियल सोल्यूशन, ठीक है, ये रियल सोल्यूशन है। कोलाइडल सोल्यूशन इट इज द हेटरोजीनियस सोल्यूशन, हेटरोजीनियस मतलब होता है इसमें आप जो है कोलाइडल पार्टिकल को यानी कि इसमें आप सॉल्यूट को सॉल्वेंट से अलग कर सकते हैं। इन विच द साइज ऑफ द पार्टिकल सॉल्वेंट इज 10^-7 सेंटीमीटर इन लिक्विड एंड स्मॉल पार्टिकल ऑफ द सॉल्यूट फ्रॉम ये इतना, ठीक है, इतना साइज होता है, इज डिवाइडेड इनटू द फॉर्म ऑफ द रिजर्व स्टेट इन अदर सब्सटेंस विच इज कॉल्ड द रिजर्व मीडियम। मिल्क हनी ग्लू ये हमारे जो कोलाइडल सॉल्यूशन है। द साइज ऑफ द पार्टिकल ऑफ द कोलाइडल सॉल्यूशन इज लाई बिटवीन द साइज ऑफ द पार्टिकल द रियल एंड सस्पेंशन। अभी आपका सस्पेंशन तो दिया नहीं, सस्पेंशन आइए कोलाइडल जो कोलाइडल सॉल्यूशन के जो पार्टिकल होते हैं वो जो है रियल सॉल्यूशन के पार्टिकल और सस्पेंशन के बीच में होते हैं, उनका साइज होता है। आई सस्पेंशन क्या होता है, इट इज़ द हेटरोजीनियस सब्सटेंस विच इन विच द साइज ऑफ द पार्टिकल द सॉल्वेंट 10^-8 सेंटीमीटर इन साइज ऑफ द पार्टिकल ये इतना होता है, इट कैन नॉट बी सीन बाय द नेक्ड आइज, सॉरी इसे नेक्ड आइज इज कैन बी सीन, ठीक है, इसे आप आंखों से देख सकते हैं। इसे मान लीजिए पानी में मिट्टी डाल दोगे उसके बाद देखते हो पानी के अंदर मिट्टी के जो पार्टिकल होते हैं सॉइल पार्टिकल वो उसका तैरते रहते हैं, वो आपको आंखों से दिखाई देते हैं, वो सोल्यूशन आपको होगा सस्पेंशन। एंड डिस्पर्स फेस एंड डिस्पर्स मीडियम क्या होता है, देखिए द फेस ऑफ द पार्टिकल ऑफ द सॉल्वेंट इज कोलाइडल सॉल्यूशन कॉल्ड द डिस्पर्स फेस। देखो कोलाइडल के जो कोलाइडल सॉल्यूशन जो कोलाइडल के पार्टिकल होते हैं वो डिस्पर्स फेस में होते हैं, जब कहते वो विले पदार्थ होते हैं यानी कि सॉल्यूट होते हैं, और द मीडियम ऑफ दैट सॉल्यूशन इन विच दिस पार्टिकल आर स्प्रेड इज कॉल्ड द डिस्पर्स मीडियम।
जिसमें जो है पार्टिकल स्प्रेड होते हैं वो डिस्पर्स मीडियम होता है। अब आ जाइए आप डिस्पर्स बिटवीन द रियल सोल्यूशन कोलाइडेड एंड सस्पेंशन, तो ये आपके जो है उसके वो है सेप जो है सेप ऑफ द पार्टिकल, तो रियल सोल्यूशन का सेप ये है नेचर में देखिए होमोजीनियस है ये हेट्रोजीनियस है हेट्रोजीनियस है ठीक है। और रियल सोल्यूशन का जो है कलों का जो आकार है साइज ऑफ पार्टिकल ये है कोलाइडल का ये है और सस्पेंशन का ये है। ये देखिए टिंडल इफेक्ट ब्राउनियन मोशन और इलेक्ट्रिकल पार्टिकल ट्रांजिशन और कोगुलेशन ये चारों चीज़ें जो है हमारी ये आप आगे इसी चैप्टर में थ्योरी में पढ़ोगे, अभी यहाँ पर सिर्फ आपको इसे पढ़ना है खाली ठीक है। इसके अब आपके टॉपिक फर्स्ट आपका कंप्लीट हो गया, इसके आपको क्वेश्चन लगाना है अगले टाइम पे आपको टॉपिक सेकंड पढ़ाएंगे, उसके बाद टॉपिक फर्स्ट और सेकंड के क्वेश्चन को आपको टैली करा देंगे।